इस वीडियो को देखना आपकी जिंदगी का बहुत ही महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। ज़ेन योगा में कौन कौन सी प्रैक्टिसेस के बारे में कहा गया है उसके बारे में मैं आपको सीधे सीधे इसलिए नहीं बताना चाहता। उन प्रैक्टिसेस के बारे में सीधे सीधे ना बताने के पीछे एक मनोवैज्ञानिक कारण है। मैं आपको ऐसी 10 चीजों की लिस्ट बना के दे सकता हूँ जो ज़ेन योगा में कही गई है, लेकिन उससे होगा ये, आप अंध भक्तों की तरह उस पे विश्वास करके करने भी लग जाओगे। मैंने पहले बहुत सी वीडियोस बनाई हैं आपको एक किस्म की नींद से जगाने के लिए। अब मैं आपको फिर से सुलाने का काम नहीं कर सकता। इसके पीछे क्या कारण है उसकी एक उदाहरण देता हूँ। आपने आदिवासियों के बारे में सुना होगा, कुछ ऐसे कबीले हैं जो हमारी इस दुनिया से बिल्कुल अनजान कहीं और दुनिया में रहते हैं। हमें जो सुख सुविधाएं मिल रही हैं उनका उनको कोई भी पता नहीं है। मानिए कि मैं उन लोगों में से किसी एक व्यक्ति को अपने घर पे ले आऊं, उसके लिए फैन ऑन कर दूं, फिर लाइट भी जला दूं। आपको पता है उसके मन में ये सब देखकर एक भ्रम पैदा होगा। उसे लगेगा कि मैं एक चमत्कारी व्यक्ति हूं जो बटन दबाने से चीजों को चलाना जानता है, रोशनी करना जानता है। उसे ये चमत्कार जरूर लग रहा है, लेकिन उसे मेरी तरह ये नहीं पता कि इस घर में बिजली की तारों का पूरा जाल बिछा हुआ है जिसकी वजह से ये संभव हो पा रहा है। अगर मैं तुम्हें ऐसी 10 चीजों की लिस्ट बना के दे भी दूं तो तुम उसे अंधभक्तों की तरह करने में लग जाओगे बिना उन प्रैक्टिसेस के पीछे का विज्ञान को समझे। अगर सीधा सीधा आपको कह दूंगा कि कल से ये नहीं ये करना, सांस ऐसे नहीं ऐसे लेना, खाना इतना नहीं इतना खाना, और एक दिन ऐसा आएगा तुम ये करना छोड़ दोगे, बंद कर दोगे, तो तुम इस किताब के लिखने के जो पीछे का रहस्य है, किताब के उस उद्देश्य से तुम भटक जाओगे। इस किताब का उद्देश्य ये नहीं है कि तुम अंधभक्तों की तरह, बकरियों की तरह करने में जुट जाओ, बल्कि इस किताब का उद्देश्य ये है, ये जो प्रैक्टिसेस है ये जीवन जीने की एक कला है, और इस कला को पहले के लोग बाखूबी जानते थे, लेकिन आज के लोग कहते हैं हम तो स्मार्ट हैं, योगा नहीं जिम करेंगे, ध्यान नहीं गाइडेड मेडिटेशन करेंगे। ये किताब तुम्हें प्राकृतिक जीवन जीने के लिए कहेगी। मेरा उद्देश्य है आपको जगाना, आपको होश में लाना, ना कि किसी प्रैक्टिस का अंधभक्त बनाना, ना ही इस किताब का, ज़ेन योगा का। अगर आप अध्यात्म के रास्ते पे हो, मान लो कि आप अभी पैदल चल रहे हो, ज़ेन योगा आपको एक किस्म की लिफ्ट दे रही है इस रास्ते पे, ताकि आप मंजिल पे जल्दी पहुंच जाओ, आपके लिए चीजें आसान हो जाएं। लेकिन मैं व्यक्ति के मन को जानता हूं, तुम लिफ्ट तो ले लोगे, कहीं उतरे ही ना मंजिल पे, या फिर कुछ लोग पहले ही उतर गए। मैं आपको इस किताब को इस्तेमाल करना सिखाऊंगा, ना कि पागलों की तरह बस लग गए। इस किताब से बंधना नहीं है, तादात्म्य नहीं करना है इस किताब से। मैंने पहले वीडियो में कहा था ना, आइडेंटिफिकेशन पे जो मैंने बनाई थी, इस किताब को ऐसे अपने जीवन में ढालना है कि ये स्ट्रेस का कारण ना बन जाए। वरना कुछ लोग ऐसे भी बंध जाते हैं, मान लो कहीं बाहर गए हैं अपने किसी काम से, और वहां पे ये सोच रहे हैं अरे नहीं, मुझे तो घर पे जाके ज़ेन योगा में जो प्रैक्टिस बोली गई है वो करनी है। 60,000 विचार तुम्हें पहले ही आते थे दिन में, अभी 10-15 और ज़ेन योगा के भी जुड़ जाएंगे। ऐसे नहीं करना है। अभी मैंने जो पिछली इंट्रोडक्शन वीडियो बनाई थी उसमें एक व्यक्ति ने कमेंट किया था, मैंने जो आपको दिमाग के 4 हिस्से बोले थे और चौथे हिस्से में आत्मा रहती है, तो वो व्यक्ति ये पूछ रहा था क्या आत्मा किसी हिस्से में रहती है। जब ये किताब कहती है कि दिमाग के 4 हिस्से हैं और इतने सेंटर्स हैं, वो बस बताने का एक ढंग है, कहने का एक ढंग है, उनको पत्थर पे लकीर नहीं मान लेना है। ऐसे तो हमारे डाइजेशन के भी बहुत से हिस्से हैं, फिर तो तुम ऐसे ही हिस्सों में ही उलझ के रह जाओगे।
मैं उंगली कर रहा हूँ सूरज की तरफ, तुम्हें सूरज दिखाना चाहता हूँ, और तुम मेरी उंगली को देखकर सवाल पूछ रहे हो, उंगली टेढ़ी क्यों है, ऐसे क्यों है, वैसे क्यों है। जो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हो, यही हमारा मन है। और मन अगर एक प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम को बिना समझे सॉल्व नहीं किया जा सकता। और जो व्यक्ति अपने मन को ही नहीं जानता, वो इससे ऊपर भी नहीं उठ सकता। फिर पिछली वीडियो में हमने बात की थी हमारे दिमाग का जो पहला हिस्सा है, इस पहले हिस्से का विकास किए बिना मन और आत्मा के बीच जो गहरी खाई है, उसे पार नहीं किया जा सकता। इस हिस्से का पहला सेंटर है इंटीग्रिटी, यानी इंटेलेक्ट, यानी हमारे विचार करने की क्षमता। अगर व्यक्ति को अपनी बुद्धि का सही सही इस्तेमाल करना आ जाए, तो वो एक वैज्ञानिक की तरह सोच सकता है। बुद्धि ही व्यक्ति को वैज्ञानिक बना सकती है, और बुद्धि ही व्यक्ति को भीख भी मंगवा सकती है, बजाय इसके कि जीवन में इतनी सारी संभावनाएं हैं। इस सेंटर की एक एग्जाम्पल देता हूँ। पड़ोस में किसी ने गाड़ी खरीद ली है, अगर तुम्हारी बुद्धि में स्थिरता है तो तुम जलस फील नहीं करोगे, तो तुम्हारी बुद्धि उसी वक्त ज्ञान से पर्दा उठाएगी और कहेगी, बुद्धि तुमसे कहेगी, जरूर पड़ोसी को जरूरत होगी जिस वजह से उसने गाड़ी ली है। जलस फील नहीं करोगे तुम और कहोगे, जिस दिन मुझे जरूरत होगी मैं भी ले लूंगा, लेकिन फिलहाल मुझे ऐसी कोई जरूरत नहीं है। इतनी स्पष्टता से सोच पाना, ये इसी सेंटर का कमाल है। ये सेंटर तुम्हें विवेक देगा, मन को स्थिर रखेगा। इसी सेंटर को हिंदू धर्म में, योग वेदांत में सत्व गुण कहा गया है। इस शब्द को, सत्व गुण को हमेशा याद रखना, भले अपने नाम को भूल जाना, लेकिन सत्व को याद रखना, क्योंकि ये धर्म गुरुओं द्वारा खोजे गए बहुत बड़े रहस्य की पहली चाबी है, तो इसे संभाल के रखना। लेकिन आम व्यक्ति के साथ होता ऐसे है, वो इतनी स्पष्टता से नहीं सोच पाता, क्योंकि मन के इस सेंटर को प्रभावित करने के लिए दूसरा सेंटर बीच में आ जाता है, इमोटिविटी, यानी इमोशंस, भावनाएं। और आम व्यक्ति विचारों और भावनाओं को ऐसे मिक्स कर देता है जैसे किसी ने दूध में पानी मिला दिया हो। बस फिर मुश्किल हो जाएगा तय करना कि दूध पानी है या पानी दूध है। विचार दिखते हैं तस्वीरों के रूप में, लेकिन भावनाएं नहीं दिखती, वो अदृश्य है। इसलिए आम व्यक्ति को इसका पता ही नहीं चलता कि कब भावनाएं विचारों में मिक्स हो गई। तो व्यक्ति, पड़ोसी ने गाड़ी खरीद ली है, मैं उससे बड़ी गाड़ी खरीदूंगा, जलस पैदा हो गई, और व्यक्ति बिना विचार किए वो गाड़ी खरीद लेता है। और अक्सर इसलिए लोग जल्दबाजी में, भावनाओं में बहकर लिए गए फैसलों से बाद में पछताते हैं। और आपने जितने भी फैसले लिए हैं जो आपको आज गलत लग रहे हैं, वो 10 में से 9 मौकों पर भावनाओं में बहकर आपने लिए होंगे। इसे हिंदू धर्म में, योग वेदांत में रजस के नाम से कहा गया है। ये उस रहस्य की दूसरी चाबी है, इसे भी संभाल के रखना। भावनाएं अगर इतना कुछ करवा देती हैं, उसके बाद एक और भी शक्ति है जो व्यक्ति की बुद्धि को कमजोर बनाती है, जिसे जैन योगा तीसरे सेंटर से कहती है, सेंसुअसिटी। ये सेंटर डलनेस पैदा करता है, रोकता है। गाड़ी तुमने खरीद ली है भावनाओं में बहकर, अब तुम पछता रहे हो, क्योंकि पड़ोसी ने तो खरीदी थी अपनी जरूरतों के हिसाब से, उसे जरूरत आन पड़ी होगी, तुमने भावनाओं में बहकर खरीद ली, और अब तुम सर पकड़े बैठे हो और नाखून चबा रहे हो। इसे ध्यान से समझे। बुद्धि ने कहा मत खरीदो, पहले सेंटर ने कहा मत खरीदो, जरूरत नहीं है, भावनाएं बीच में आई, तुमने गाड़ी खरीद ली, और अब तुम पछता रहे हो और नाखून चबा रहे हो। ये नाखून चबाने वाली बात को हल्के में मत लेना, ऐसी हरकतें यही तीसरा सेंटर करवाता है। उदाहरण दिए बिना तुम्हें आसान नहीं होगा इसे समझना। मेरे घर के पास एक व्यक्ति रहता है, वो रोज सुबह जब भी काम पे निकलता है, बाइक स्टार्ट करने से पहले वो सिगरेट जलाता है। मैंने उसे जब भी देखा सुबह, वो यही पैटर्न फॉलो करता है। मैंने उसे एक दिन पूछा, तुम ऐसा क्यों करते हो?
तो उसने कहा बिना सिगरेट पिए वो बाइक चला नहीं पाता। अब सवाल ये उठ खड़ा होता है कि जब वो व्यक्ति सिगरेट का पैकेट निकाल रहा था, सिगरेट जला रहा था या वो नाखून चबा रहा था, उस क्षण बुद्धि क्या कर रही थी। ऐसे क्षणों को डलनेस कहते हैं। ऐसा व्यक्ति सोया हुआ व्यक्ति है। एक तो विचारों की नींद है, उसके ऊपर सिगरेट शराब ऐसी चीजों की नींद है, नींद के ऊपर नींद। इसकी एक और भी एग्जांपल दे देता हूँ। मैंने कुछ लोगों को देखा है, जब वो बाहर जाते हैं अगर उनको सिचुएशन थोड़ी सी अनकंफर्टेबल लगती है तो वो क्या करते हैं, अपना फ़ोन निकालते हैं, सेटिंग्स को ही स्क्रोल करते हैं अप, फिर करते हैं डाउन और लॉक बंद कर देते हैं। जब आप ये कर रहे हो उस वक्त बुद्धि कहाँ पे है, बैठे बैठे हाथ पैर चलाने लगते हो। ये सेंटर और भी चीज़ों को कंट्रोल करता है, जैसे उबासी लेना, हंसना और भी बहुत सी चीज़ें। ये वीडियो बहुत लंबी हो सकती है अगर मैं इसी पे डिस्कस करूँगा। इसे हिंदू धर्म में योग वेदांत में तमस गुण कहा गया है। ये उस खोजे गए रहस्य की तीसरी चाबी है। अगर मैं आप लोगों से एक रहस्य की बात कहूँ तो अपना नाम भूल जाना, पढ़ा लिखा सब कुछ भूल जाना, लेकिन तमस रजस सत्व को कभी मत भूलना। मैं इस बात को इतना जोर देकर क्यों कह रहा हूँ, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। इस प्रकृति का निर्माण तीन गुणों के कारण ही हुआ है। ऐसा हजारों साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में भी यही बात कही है, प्रकृति तीन गुणों से बनी है। तीन गुण यानी सत्व रजस तमस। हम ऐसे देश में रहते हैं जहां पे बहुत कुछ खोजा गया, लेकिन हमें इन बातों का क्यों पता चलेगा। हमें सोशल मीडिया से फुर्सत मिले तब ना। हमारे अंदर भी तीन गुण ही काम करते हैं, और जैन योगा इंटीग्रिटी को सत्व गुण कहती है। रजस यानी जैन योगा जिसे इमोटिविटी कहती है, तमस यानी जिसे जैन योगा सेंसुओसिटी कहती है। ये जो रजस है ये तुम्हें दौड़ाएगा जितना हो सके, तुम्हें भगाएगा, भावनाओं में बहकर तुम बहुत से गलत फैसले लोगे, और तमस तुम्हें कमजोर बनाएगा, तुम कुछ कर ही नहीं पाओगे। जैसे ही तुम इन दोनों को बैलेंस कर लेते हो, रजस और तमस को, तो तुम सत्व गुण को प्राप्त हो जाते हो, और सत्व गुण के कारण तुम्हारी बुद्धि इतनी तीव्र हो सकती है जिसकी कोई हद नहीं। तो बिना मन के संतुलन को बिठाए मन को जीता नहीं जा सकता, और यही व्यक्ति के जीवन में बड़ी कठिनाई है। ये तो एक कठिनाई है अलग से, लेकिन व्यक्ति को इस सिद्धांत के बारे में पता ही नहीं चलता कि इतना कुछ खोजा जा चुका है पहले। इन तीन गुणों से आपका परिचय करवाना बहुत ही जरूरी था। अब बिना इन तीन गुणों को बताए अगर मैं आपसे आगे जो आने वाले चैप्टर्स है उनमें कहता कि ये वाला खाना मत खाना, ये वाला खाना खाना, तो तुम मेरी बात को एक दो दिन मानते फिर बंद कर देते। लेकिन इन तीन गुणों के कारण तुम्हारे अंदर एक समझ पैदा हुई है। अगर जैन योगा में कुछ लिखा होगा कि ये करना, इसलिए कहूँगा तुम्हें करने के लिए कि तुम्हारे अंदर सत्व गुण पैदा हो। क्योंकि जब तुम ध्यान करने जाते हो, पहले तो ध्यान को ही तुम्हारे जो इतनी टेंशन्स है उनको दूर करना पड़ता है, ध्यान को, फिर जाके तुम कहीं गहराई में उतरोगे। लेकिन इन तीन गुणों को बैलेंस कर लेने से आधा काम ऐसे हो जाएगा। मान लो कि तुम खाना पीना सही कर लेते हो, नींद को सही करते हो, आधा स्ट्रेस तुम्हारे जीवन में इन तीन गुणों के कारण मिट जाएगा। और जब तुम स्ट्रेस फ्री होकर ध्यान करोगे तो वो ध्यान की गहराई पहले से दुगनी होगी। चौथा और आखिरी सेंटर है मोबिलिटी। ये चौथे सेंटर का काम बस इतना सा है, पहले के जो तीन सेंटर या उन्हें गुण कहूँ, तमस रजस सत्व, इंटीग्रिटी इमोटिविटी सेंसुसिटी, इन तीनों गुणों में से जिस भी गुण की मात्रा ज़्यादा होगी तो ये चौथा सेंटर उन चीज़ों पे पक्के फैसले लेता जाएगा। यानी तुम में रजस ज़्यादा है तो सारे फैसले भावनाओं में बहकर तुम लोगे, तुम में तमस ज़्यादा है तो तुम डल बने रहोगे, अगर तुम में सत्व ज़्यादा है तो तुम अध्यात्म की ओर आओगे, चीज़ों को गहराई से जानोगे, समझोगे,
और सत्व गुण पे आना ही, इंटीग्रिटी पे आना ही तुम्हारे पहले हिस्से का विकास होगा। लेकिन ध्यान में रहे, इसमें सिर्फ मन पे काम नहीं करना होता है, शरीर के ऊपर भी काम करना होता है, जो हम आगे आने वाले चैप्टर्स में सीखेंगे। ज़ेन योगा कहती है, इस पहले हिस्से के विकास होने के बाद ही तुम बीच की जो खाई है मन और आत्मा के बीच, तभी तुम उसे पार कर सकते हो। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम तमस और रजस को बैलेंस करने के बाद सत्व पे आ जाओ, तुम्हें उससे भी ऊपर उठना है तो तुम मुझे जान पाओगे। और जितनी भी प्रैक्टिसेस बोली जाएंगी वो इन्हीं तीन गुणों को प्रभावित करेंगी और तुम में सत्व गुण को बढ़ाएंगी। अब बिना अंदर की बात को समझे अगर तुम प्रैक्टिस करते तो वो अंधभक्ति होती। ध्यान में रहे, ये बस इंट्रोडक्शन ही है अभी तक, लेकिन इंट्रोडक्शन में इतना कुछ है। मैं तो ये कहता हूँ ये किताब का पहला चैप्टर होना चाहिए था, क्योंकि बहुत से लोग इंट्रोडक्शन को स्किप कर देते हैं। ये इंट्रोडक्शन ही आधार है उन प्रैक्टिसेस का। अगर मैं तुम्हें बस एक प्रैक्टिसेस बता देता तो तुम्हारी सोच बहुत छोटी सी होती, लेकिन इतना समझाने के बाद तुम में एक समझ पैदा हुई है। तुम अभी जिंदगी की हर एक चीज को इन तीन गुणों के तराजू पे तोल के देख सकते हो कि कौन सी चीज से तमस आएगा, रजस आएगा, और कौन सी चीज तुम्हें सत्व गुण बनाएगी। आगे और भी बहुत से रहस्य हैं। याद में रहे, ना तो ये किताब पहली किताब है ना ही आखिरी किताब है, और भी बहुत कुछ कहा जा चुका है, लेकिन बिना आपके अंदर समझ पैदा किए उन गहरे रहस्य को नहीं समझाया जा सकता। हम ऐसा करेंगे, मैं एक हफ्ता लूंगा वीडियो बनाने के लिए। जो भी मैं कहूंगा कि आपको ये करना है, आपको एक हफ्ते तक वो प्रैक्टिस करना है, उसे अपने जीवन में ढालने की कोशिश करनी है, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते जाएंगे ऐसे ही धीरे धीरे समझते हुए।